सबको नमस्ते। मेरे प्रिय अभिभावक, प्रिय बच्चों, सिद्धार्थनगर के सम्मानित सारे मेरे भाई बहनों, आप सबको आज के शुभ दिन की, जैसे सारे हमारे देश के लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। We celebrate the 74th independence of our country. On this auspicious day, I wish all the very spirit of the independence of our country to everyone of the people over here at Siddharthanagar. Priya Abhibhavakgan, और मेरे प्रिय बच्चों, हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस स्कूल में आप प्रिय बच्चों के साथ मनाया करते थे, लेकिन आज इस साल विशेष रूप से आपके और हमारे प्रिय बच्चे अपने अपने घरों में स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं और हमारे विशेष टीचर्स आज स्कूल पे आए, हम लोग भी आज के दिन को स्मरण किए। मैं समझता हूं कि यह दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ। इसलिए आज मेरी महात्मा गांधी जी की बातों को मुझे याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा कि माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात मुझे याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा टू दाई फ्रीडम लेट माई कंट्री अवेक। Thy freedom, what is that? Thy freedom, where the mind is free, where the wisdom is enjoyed, where everyone have a proper opportunities, everything comes from the positive mind. To thy heaven of freedom, let my country awake. आज हम लोग आजादी मना रहे हैं। फ्रीडम का मतलब है, आजादी का मतलब है, शाब्दिक अर्थ है कि हमें जीने की हमारा हक, हमें नेतृत्व करने की हमारा हक, और हमें रहने की हमारा हक। The freedom is to live, the freedom is to lead, and the freedom is to have a life. Life मेरे लिए, दूसरों के लिए, मुझे यहां रहना है और आप हम सबको रहना है, और मुझे नेतृत्व करना है और हम सबको नेतृत्व हम करें, यही आजादी का शाब्दिक अर्थ। आज की इस शुभ दिन, जैसे कल हमारे देश के प्रेसिडेंट ने हम सबों को एड्रेस किए, आज हमारे देश हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबों को आज के संदेश प्रदान किए, और मैं समझता हूं आज के दिन सेंट सेवियर्स स्कूल की तरफ से मेरे प्रिय अभिभावकों को आज के दिन की छोटी सी संदेश में दूं। प्रिय मित्रों, आज की इस परिवेश में हमें याद करना चाहिए कि उन महान व्यक्तियों ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किए, ताकि हम सब एक नया जिंदगी, एक नई जिंदगी को हम अपनाएं, हमें आजादी मिले, हमें रहने की,
हमें सोचने की, हमें अपनी धार्मिक अनुष्ठान के साथ जीवन बिताने के लिए और हम दूसरों को नेतृत्व करने के लिए आगे चलने के लिए हमें एक आजादी मिलने का सबसे महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज हम उन व्यक्तियों को स्मरण करते हैं जिन्होंने अपना रक्त, अपना जीवन हमारे देश के लिए प्रदान किया। इसलिए आज के दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यादगार है। वी से इट इन इंग्लिश, इट्स अ डे ऑफ रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस ऑफ द फ्रीडम दैट वी हैव एंजॉयड इन आवर लाइफ। इसलिए आज के दिन मैं आप सबको आज के दिन की संदेश मैं देना चाहता हूं, जैसे कि प्रिय बंधुओं मित्रों, तीन बातों को आज हम लोग याद करें जो हमारे देश के संविधान में दिया गया, यह बताया गया विशेष बातों को याद करते हुए तीन बिंदुओं पर हम लोग याद करें और उसे अमल करने की कोशिश करें। हमारे संविधान की मूल तत्व है कि हमारे रिलीजियस हार्मनी और सोल्डारी के साथ हम जीने के लिए हमारे देश की धार्मिक सहिष्णुता, और ये धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ हम एक साथ जीने की हमारी जो इच्छा को हम जरूर बढ़ावा दें। हम भाई भाई हैं, हम एक दूसरे के लिए भाई हैं, हम कंधे से कंधे मिला के, हाथ से हाथ मिलाकर के, धर्म से धर्म मिला के हम आगे जीने के लिए हमारे लिए सिर्फ एक ही धर्म है, हमारा जीवन, हमारा कर्तव्य, हमारा इस दुनिया में जीने का हमारा सारे कार्य, ये सब ही हमारे धर्म। इस धर्म को लेकर के हम उस ईश्वर के पास जाए जिसने ये सबको बनाया है, वही हमारा फर्ज है, उसको बनाए रखने की हम कोशिश करें। दूसरी बात, हमारी जो देश की एक ऐसी कल्चर हमें प्राप्त है, तो देश की सभ्यता मर्यादा, इन सारी बातों को हम बनाए रखने की हम कोशिश करें। हर एक व्यक्ति की संस्कृति है, हर एक व्यक्ति की उसकी जीने की, रहने की उसकी शैली है, और इन सारी बातों को लेके हम एकजुट होके आगे जीने की हमारी कोशिश। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, प्रिय मित्रों, आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम प्रकृति को प्यार करें। लेट्स लव द नेचर। हम देखते हैं कि आज की प्रकृति वापस वो जवाब दे रही है। पहले हम प्रकृति को प्यार करते थे, लेकिन आज प्रकृति के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, और आज के परिवेश में देख रहे हैं कि प्रकृति हमारे साथ उसका रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बहुत उत्तम उदाहरण हमारे सामने है। प्रिय मित्रों, प्रिय अभिभावकगण, यही मेरी संदेश आज के दिन के लिए कि हम इन तीनों बातों को लेके चले। ईश्वर हम सबों को देश के सारी सिटीजन को अनुग्रह प्राप्त हो जाए, ईश्वर की कृपा हमें मिले, और आज की इस समय जो देश, पूरी दुनिया पैंडेमिक COVID-19 से परेशान है या परेशानी महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, बहुत सारे की मृत्यु, कई लोग बीमार, लेकिन आज हमारा एक उद्देश्य है और हमारा एक निर्णय होना है कि ऐसी परिवेश में हम सब मिलजुल करके एक साथ इस बीमारी को, इस पैंडेमिक कोविड को, इस हमारे इस दुनिया से, देश से मिटाने की हम लोग कोशिश करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग,
हम हाथ वगैरह धो करके सैनिटाइज करते हुए और इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए हमें जीने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और आज के दिन विशेष रूप से हमारे बच्चे इन दिनों घरों में बैठ करके अपनी पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई की लाभ उठा रहे हैं। पहले था कि बच्चे स्कूल आएंगे आते थे और टीचर लोग बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन आज इस समय टीचर स्कूल से क्लास या ऑनलाइन की सुविधा दे रहे और माँ बाप बच्चों के साथ पूरा समय निकाल करके अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वास्तव में एक टीचर का जिम्मेदारी हमारे प्रिय अभिभावकगण, प्रिय पेरेंट्स आप ले रहे हैं। आधा से आधा हमारी बोझ आप लोग अपने ऊपर लेते हुए हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं आप सबों को हृदय से दिल से बधाई देते हुए आज की इस दिन की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे देश से, हमारे इस समाज से, विशेष सिद्धार्थ से हमारी बीमारी दूर करते हुए हम सब फिर पुनः उस वातावरण में आए और ईश्वर का अनुकंपा कृपा हमेशा हम सबों को मिलते रहे। इस प्रार्थना के साथ, इस शुभ संदेश के साथ मैं आप सबों को पुनः आज के दिन की बधाई एवं शुभकामना देता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।